नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के स्टूडियो में दोस्तों हम बात करेंगे आईडीएफसी एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर। दोस्तों दोनों स्टॉक दोस्तों एक ही ग्रुप के हैं, बट दोस्तों दोनों स्टॉक में बहुत ही विरोधाभास है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक डाउनवर्ड साइड चल रहा है और आईडीएफसी बहुत ही ऊपर की साइड चल रहा है। तो दोस्तों दोनों स्टॉक में करना क्या चाहिए और वहाँ पे एक बड़ा न्यूज आया है, तो न्यूज क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। दोस्तों आज दोस्तों वीक का पहला दिन है और आप सबको पता है कि दोस्तों अदानी पावर में जबरदस्त आज तेजी बनी दोस्तों, जबरदस्त पैसा बना दोस्तों, और वो रेकमेंड हमने दोस्तों वीकेंड में किया था। उसके अलावा दोस्तों लेमन ट्री में अच्छा पैसा बना, AWL दोस्तों अदानी विलमार में दोस्तों फ्राइडे रेकमेंड किया था, जबरदस्त पैसा बना। तो बहुत सारे स्टॉक में पैसे बने हैं। अब L&T फाइनेंस में भी दोस्तों अभी तक वो लेवल दोस्तों जो है वहाँ पे दोस्तों अभी नेगोशिएट हो रहा है। जैसे वो लेवल में अच्छा मूवमेंट आएगा तो दोस्तों स्टॉक में अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर। दोस्तों तो IDFC फर्स्ट बैंक 38.50 का अभी का प्राइस है और 3.27% की दोस्तों डाउन साइड है, -1.30 का। अभी ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि दोस्तों एक बिल्कुल एक ऐसे गोल्डन रेशियो के सपोर्ट के ऊपर आ चुका है स्टॉक, कि अगर उसको तोड़ेगा तो फिर और दोस्तों पैनिक हो सकता है। दोस्तों लॉन्ग टर्म में दोस्तों मैं बिलीव करता हूँ कि ये बैंक जो है वो आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा रिटर्न देने की संभावनाएं रखता है, बट दोस्तों टेक्निकली जब बात आती है ना, तो जो भी शॉर्ट टर्म में जो इवेंट मूवमेंट होता है वो टेक्निकल लेवल पे ही होता है। तो 5 दिन के अंदर दोस्तों 6% से भी ज़्यादा की गिरावट है, और एक मंथ के अंदर दोस्तों 8% से ज़्यादा की गिरावट, 6 मंथ के अंदर 20% से भी ज़्यादा की गिरावट है। IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर जो न्यूज़ है, न्यूज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो IDFC फर्स्ट बैंक को इंडिया रेटिंग ने दोस्तों जो उनके बॉन्ड्स है दोस्तों उसको रेटिंग असाइन किया है IND AA+ (Negative) दोस्तों, और रेटिंग आउटलुक टू द एडिशनल टायर टू बॉन्ड्स 3000 करोड़ का, और वाइल रीअफर्मिंग द रेटिंग आउटलुक ऑफ 2000 करोड़ बॉन्ड जो है टायर टू के, उन्होंने बोला है कि इंडिया RA हैज ऑल्सो रीअफर्म द रेटिंग आउटलुक ऑफ अदर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स AN+ (Negative) यानी कि ठीक है, रेटिंग में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और IDFC का देखो प्राइस दोस्तों 63% है, बट पिछले एक मंथ का देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे तेजी है दोस्तों, और पिछले 6 महीने में भी देखोगे तो वहाँ पे तेजी देखी। इसलिए मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था कि विरोधाभास से दोस्तों प्राइस एक्शन चल रहा है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे स्विंग लो दोस्तों हमारा 27 मार्च 2020 का जो लो है लॉन्ग टर्म का, और स्विंग हाई जो हमारा है दोस्तों 5 मार्च 2021 का, उसको कनेक्ट करके जो लेवल निकल रहा है 61.8% का, 37.38, अब वहां से बिल्कुल नज़दीक है। लास्ट टाइम वहीं से स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, और ये हम वीकली चार्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। दोस्तों डेली चार्ट के ऊपर भी आप देखेंगे कि दोस्तों बिल्कुल वहां पे दोस्तों सटीक यहां से बिल्कुल नज़दीक आ गया है। अब अगर 37.38 का लेवल तोड़ देता है तो फिर यहाँ पे बहुत ही बुरा हाल होता। अब मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, 61.8% का रिट्रेसमेंट एक ऐसा रिट्रेसमेंट है जिसको तोड़ने के बाद हर स्टॉक खराब हो जाता है। दोस्तों आज भी हमने सुबेक्स करके वीडियो एक स्टॉक को डिस्कस किया था, उसका भी 61.8% टूटा, फिर क्या हाल हुआ आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। दोस्तों तो यहाँ पे आपको 37.38% का जो रिट्रेसमेंट है उसको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। अगर वो लेवल को तोड़ता है वॉल्यूम के साथ तो फिर यहाँ पे निकल जाने में ही भलाई है शॉर्ट टर्म के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे स्टॉक जो है IDFC। दोस्तों IDFC बहुत ही बढ़िया स्टॉक है दोस्तों, दोनों स्टॉक अच्छे हैं फंडामेंटली, बट दोस्तों अभी वीकनेस आ रही है, बैंकिंग सेक्टर पूरा दोस्तों डाउन है और उसकी वजह से आ रहा है। तो IDFC में दोस्तों यहाँ पे मोमेंटम दोस्तों मिला था हमें 61 का जो लेवल तोड़ा था स्टॉक ने, उसके बाद जो एक रेंज बाउंड मूवमेंट कर रहा था और बहुत ही बढ़िया हमें अपवर्ड मूवमेंट मिला। उसके बाद दोस्तों 2 दिन कंसोलिडेशन चला, क्योंकि 20 डेज के मूविंग एवरेज से हाई था, अब दोस्तों कंसोलिडेट कर रहा है। तो दोस्तों अब जो है वो 55 का जो लेवल था वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए 55 का लेवल, अब 23.6% का रिट्रेसमेंट है, उसको पकड़ के दोस्तों अब आप है ना स्टॉप लॉस लगा के इसमें ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो 61.40 का लेवल है जो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं दोस्तों, बट यहाँ पे दोस्तों अपवर्ड मूवमेंट होने के चांस ज़्यादा है। दोस्तों स्टेक सेल की बात हो रही थी तो बहुत ही ज़्यादा आने वाले टाइम में यहाँ पे मोमेंटम देखा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे जबरदस्त तेजी तभी बनेगी दोस्तों जब 68 का जो लेवल है हमारा, जो बहुत ही बड़ा लेवल है दोस्तों रेजिस्टेंस के तौर के ऊपर, अगर इस लेवल को दोस्तों तोड़ेगा तभी दोस्तों स्टॉक में तेजी बनने की और ज़्यादा संभावनाएं बनेगी। जो हमारा अभी रिसेंटली जो बना था वो हाई भी वही 68 के आसपास है, और वहीं पे दोस्तों वीकली चार्ट के ऊपर भी आप देखोगे तो आपको क्लियर दिखेगा
कि कंटिन्यूस दोस्तों रेजिस्टेंस मिला था, बहुत ही मल्टीपल टाइम 68 के रेजिस्टेंस मिला है। तो यहाँ पे दोस्तों एक बार ये लेवल क्रॉस हो जाए फिर आप एंट्री ले, या तो फिर दोस्तों 55-57 के आसपास आए तब बाय कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये सारे मेरे पर्सनल व्यू है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।